तो भाई लेते हैं भगवान जी का आशीर्वाद और करते हैं अपना ट्रिप शुरू। चल रहा है भाई सामान की तैयारी, जो जो हम लेके जा रहे हैं अपने ट्रिप पे। अभी निकले और अभी से ही जाम लग गया भाई पूरे चंडीगढ़ में, रोड ब्लॉक हो रखी है। दो गाड़ियों के चक्कर में पूरी जनता परेशान है, आगे से लेके पीछे एंड तक। गाइस एंटर कर चुके हम पहाड़ में। हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस आज का सीन ऐसा है कि भाई काफ़ी टाइम हो गया कोई ट्रिप व्रिप करे हुए। लास्ट में गया था भाई नैनीताल, जिसके व्लॉग्स तो हमने देखे होंगे। तो भाई अभी सीन बन रहा है कि हम जा रहे हैं भाई कैन, क्योंकि सर्दियाँ भी आ गई और भाई सर्दियों में एक पहाड़ों का ट्रिप नहीं मारा तो कैन मारा। तो बस यही सीन है कि अभी लक्ष्य आ रहा है तो उसके साथ निकलता हूँ मैं चैन। चैन के बाद हमारा प्रोग्राम बन सकता है कि हम शिमला भी जाएँ, कुफरी भी जाएँ, पर देखते हैं। अभी कुछ डिसाइड किया नहीं, जैसे हम हमेशा चलते हैं कि वहीं जाके डिसाइड करते हैं। तो अभी निकलते हैं फिर आपको दिखाते हैं पूरा सीन। अभी तो कपड़े वगैरह भी चेंज करने हैं, अभी बस बाल बाल सेट किए, इतने लाइट चलेगी फिर जाते हैं भाई। पहले तो लग रही बहुत तगड़ी भूख, तो भाई अभी ऑर्डर किया जोमेटो से, उसका वेट कर रहा हूँ। पहले वो आएगा फिर उसको खाऊंगा, फिर निकलते हैं भाई अपने ट्रिप के लिए। तो भाई आ गया अपना ऑर्डर, खाते हैं इसको। तो भाई लेते हैं भगवान जी का आशीर्वाद और करते हैं अपना ट्रिप शुरू। जय हनुमान जी। तो गाइस ये है कुछ ट्रिप वाला लुक, साथ में ले लिया अपना छपरी बैग ट्रिप वाला, जिंदगी में पहली बार ले रहा हूँ। बस अब लक्ष्य का वेट है भाई, टाइम हो गया 1:30 बज गए अब तक नहीं आया, तो बस उसका वेट कर रहा हूँ, वो आए फिर हम जाएंगे। 2 बजे क्या हाल है, निकले फिर ट्रिप पे भाई। गाड़ी अपनी हो रखी है सेट पूरी, भरी पड़ी है भाई पूरी। जैसे आपने पिछले ब्लॉग में देखा था ना कि हमने वहीं पर कुक की थी मैगी वगैरह, इस बार भी सिलेंडर अपना लेके चल रहे हैं तो खाएंगे पियेंगे ऐश करेंगे पूरे ट्रिप पे। दोनों भाई जा रहे हैं सेट हो गए, ठीक है चलो। रुकना सही भी नहीं है यार। सही बात है भाई, बार बार रुकना सही नहीं है बिल्कुल। तो भाई ट्रिप की शुरुआत हुई है तो अभी हम खाने आए भाई पिज्ज़ा, क्योंकि पेट भर के यहीं से चलेंगे अपना। तो भाई यहाँ रुके हैं सेक्टर 22 की मार्केट में चंडीगढ़ में। चल रहा भाई सामान की तैयारी, जो जो हम लेके जा रहे हैं अपने ट्रिप पे। लेज वेज ले ली, मैगी के 4 पैकेट रख लिए, बाकी हाइड एंड सीक अमूल बटर तो भाई रख लिया हमने। सारा सामान लेके हम निकल रहे हैं भाई ट्रिप पे। अब गाड़ी में डालते हो सारा सामान भाई, सारा सामान जाएगा इन द डिग्गी, बट डिग्गी इज आवर फुल। अब देखते हैं भाई क्या हिसाब करना है इसका। तो भाई बन गया अपना पिज्ज़ा, आ गया अपना पिज्ज़ा और साथ में लिया चोकोलावा केक भी। अपना टेस्टी टेस्टी पिज्ज़ा साथ में चोकोलावा भी है, ये तो दिख नहीं रहा बाद में दिखेगा। चलो खाना स्टार्ट करते हैं इसको। भाई हालत ख़राब हो गई पिज़्ज़ा खा के, ख़त्म ही नहीं हो रहा। मीडियम ले लिए थे 2 हमने, अब इन ज़्यादा हो गए ना कि खाए भी नहीं जा रहे। निपटाओ फिर फटाफट, काफ़ी बड़ा पिज़्ज़ा था। हालत ख़राब हो गई भाई दोनों के खा के। अभी निकले हैं और अभी से ही जाम लग गया भाई पूरे चंडीगढ़ में, पता नहीं रोड ब्लॉक हो रखी है वाली। किस चीज़ का लगा पड़ा है भाई, बिना मतलब मैं रोक रखा है यार आगे, वो लाइन पूरी चल रही है भाई पूरी फ्री, अपनी लाइन रोक रखी है, पता नहीं क्या ही किस्मत है। अभी हो गए हैं तो भाई यार पता नहीं कितना टाइम लगेगा यार, फाइनली आधे घंटे बाद अब चला भाई ये। तो यार फंसी हुई थी, हरिंद रोड में फंसी हुई थी, बेचारा तंग हो रहा था बार बार देख रहा है बाहर, परेशान होते हुए ड्राइवर रेंज रोड छोड़ के भाग गया। अरे यार भाई कब पता नहीं क्या बीटी चल रही है, पूरी एंड तक जाम जाम है, ये रोड पूरी खाली और उसके आगे भी जाम है। नहीं तो उनको मैडम को बोलो गाड़ियां पीछे से रिवर्स करो। ये पूरी लाइन क्लियर चल रही है, लगा क्यों है जाम ये? हमेशा आया हुआ है, सारे लोग बाहर आ रहे हैं भाई, कौन सा मंत्री आ रहा है उस चक्कर में रोक रखा सबको। क्या बीटिया भाई ये होगी ट्रिप की, ऐसे ऐसे शुरुआत होगी है। गाड़ी जा रही है उसकी, दो गाड़ियों के चक्कर में पूरी जनता परेशान है, आगे से लेके पीछे एंड तक पूरा रोड जाम है, 1.5 किलोमीटर का जाम पूरा। मुझे 2 गाड़ी निकलनी थी इस चक्कर, खुल गया अब, मतलब पूरा 1 घंटा लग गया मैं जाम में यहाँ खड़े होके, अब खुला है। बैठो भाई गाड़ी में, टोल पेट्रोल डलवा के भरवा रहे अब हवा, फिर निकलेंगे दोनों भाई बढ़िया अपने सेट। 5-5 तो हो गए हैं, नाइट्रोजन है हाँ ठीक है, आगे लगा ले आगे ठीक है। भाई साहब मेरी तो हो गई हालत ख़राब, मैं आ गया हूँ पीछे, मस्त अपना सो के जाऊँगा 2-3 घंटे। इतने भाई चला रहा अपनी कार,
भाई मेरे को तो नींद आ गई और हम पहाड़ों में भी चल लिए भाई। अभी रुके हैं कि मिनी सा ब्रेक लिया हमने, स्मॉल सा, काफ़ी देर हो गई थी, सोते सोते पानी वानी पिए, फ्रेश वन पोए हैं। तो बस भाई अभी हम पहुँचे हैं यहाँ, कोई वो नहीं गिरता अभी। अभी हम पहुँचे भाई हिमाचल एंटर हुए हैं, बस दो घंटे और दिखा रहे हैं और अंधेरा सा हो ही गया है ऑलमोस्ट। भाई एंटर कर चुके हम पहाड़ में, सामने देखो भाई पहाड़ ही पहाड़ है जिसे तुम्हें नज़ारा दिखाऊँगा सुबह। बसें चल रही हैं, मज़ा आ रहा है। यहाँ पर भी सेम ही मौसम है जैसा अपना दिल्ली वल्ली में है भाई। अंदर आगे अंधेरा बिल्कुल ज़्यादा, कुछ भी नहीं दिख रहा आगे। मैं कैमरा साफ करता हूँ। बस भाई एक घंटा रह गया, हम पहुँच जाएंगे 9 बजे, अपना 8 बज रहे हैं अभी। तो भाई बाकी गाड़ियाँ बाड़ी आ रही हैं, कैसा लग रहा है फिर? बढ़िया लग रहा है भाई, ठंड नहीं है यार। हमको उम्मीद थी कि ठंड होगी बट ऐसी कोई ठंड नहीं है इतनी खास यहाँ पे। अभी हम सोलन पहुँच गए हैं, इसके बाद हम जा रहे हैं चहल। चहल जाएगा, चहल जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे कैसा माहौल है, कैसा मौसम है। बट जैसा कि हमने पता किया है तो नॉर्मल ही है, जैसे ये अपना दिल्ली विल्ली में या NCR में इतना ही है यार। उल्टा उस दिन न्यूज़ देखी थी, दिल्ली में 4 डिग्री गया था टेम्परेचर, यहाँ पर 10 था। मैं कल दिल्ली में था, कल 9 डिग्री था वहाँ पे, यहाँ भी अब 9 डिग्री है। सोलन में भी 9 डिग्री है, कुछ भी ठंड नहीं है। मैं सिर्फ इसमें सिंगल शर्ट में घूम रहा हूँ। मैं बस एक हुडी में। तो भाई हम पहुँच गए 9:14 पे, तो ये नैनो आई है हमें पिक करने के लिए। उसके पीछे पीछे जाके हम नैनो, चले जाएंगे, नैनो हमें करवाएगी ऑफ रोडिंग। ऑफ रोडिंग करेंगे आज हम नैनो के साथ और बलैनो के साथ ऑफ रोडिंग ट्राई कर रहे हैं। सो गाइस अब हम कर रहे हैं ऑफ रोडिंग आफ्टर नैनो। खैर ये है वो है, ये इसको ऑफ रोडिंग बोलते हैं सिद्धांत। ऐसे तुमने कहीं कर रखी है ये जो ऋषिकेश में। हाँ चढ़ाने में थोड़ा सा जोर लगेगा, चढ़ाने में लगेगा, चढ़ाने में। भाई अपनी ऑफ रोडिंग कंप्लीट करके पहुंच गए यहाँ पे। पूरा भाई पहाड़ी इलाका जंगली, अंदर यहाँ पर खाई खाई है। तो भाई ये एरिया है जहाँ पर हमने गाड़ी अपनी पार्क करी है, सुबह तुम्हें दिखाएंगे भाई। आ रहे मजे भाई, आगे नहीं दिख रहा कुछ भी भाई, नीचे चलते पहले। तो भाई ऑनलाइन देखो तो कुछ और मिलता है, यहाँ पता नहीं कहाँ लेके जा रहे। चलो भैया चल रहे हैं। हाँ जी 1838 की ये तो भाई ये वाले जो घर हैं 1838 से बने हुए हैं। ये मिल जाएंगे तुम्हें चैल में। ये तो कुत्ता भी दिख जाएगा, पहाड़ी कुत्ता। चलो आगे चलो, इस दूर से हमें दिख गया अपना होम स्टे। लाइटें वाइटें तो सेक्सी सी लग रही है इसमें, पर है काफ़ी नीचे ढलान जाने पे। फाइनली बट पहुंच गए हम, देखते हैं एक एडवेंचरस टाइप सी जर्नी है ये। सुबह तुम्हें दिखाऊंगा ना यहाँ क्या व्यू, पागल हो जाओगे। अभी तो सेक्सी आ रहा है, लाइटें वाइटें लगा रखी है सेक्सी सी। तो भाई सब दूर में देते हैं अपना रूम टूर। यहाँ से भाई खुलता है, मतलब नॉर्मल सा है। ये बेड है अपना, चप्पल भी दे रखी है भाई साहब। भाई वॉशरूम तो सेक्सी है भाई, काला लग रहा यार मिस्त्री की तरह। भाई रूम भी सही है यार, और भाई एंड में तुम्हें प्राइस वाइज भी बता दूंगा। यहाँ किचन से भी अपना हाथ मुंह धो सकते हो, और कुछ बनाना हो तो इसके लिए हम लेके आए अपना सिलेंडर। तो भाई दोनों भाई अभी खाएंगे पियेंगे, तुम्हें दिखाएंगे पूरा सीन। तो भाई बने रहना एंड के ब्लॉक तक। तो भाई रात के बज रहे हैं 10, और कर लिए हमने अपनी आग चालू, बॉन फायर करेंगे, इसके साथ बनाएंगे मैगी और वो खाएंगे, फिर दिखा दे तुम्हें नज़ारे सारे। तो गाइस इंजॉइंग सैंडविच इन चैल, खुद ने बनाया हमने ये, कैसा लग रहा? बढ़िया। बस अब इसके बाद बनाएंगे मैगी, क्योंकि मैगी भूल गए थे गाड़ी में। तो गाइस भाई ने अभी बताया कि इस पे टैंक है, इसके अंदर पहाड़ों से नेचुरल पानी आता है, तो सीधा ये लगा रखे, टूटी वूटी सारी सप्लाई यहीं से जाती है नीचे। कौन सा नीचे? अच्छा चलो बढ़िया। पहाड़ों में ऐसे प्योरिटी तो बहुत ज़्यादा है, अपने एरिया में वही पोल्यूशन वगैरह हो रखा है। सही है भाई, एक्सप्लोर करनी चाहिए ऐसी चीज़ें। मेरे ब्लॉग के साथ साथ तुम भी एक्सप्लोर कर पाओगे। पहले नीचे चल लेते हो यार। भाई एक चीज़ दिखाऊंगा तुम्हें भाई, इतना प्यारा व्यू आ रहा है ना चांद का भाई। क्या चल रही है, रुको अब देखो भाई यार, पूरे बादल बादल हैं भाई, मून लाइट अलग ही चमक रही है, मज़ा आ रहा है इसमें बहुत ज़्यादा। एक बार दोबारा
इसमें जो थ्री इडियट थी उसमें जो रेंचो के फादर हाँ, का घर था ना हाँ, हाँ, वो ये दिखाया हुआ है। अच्छा ये चैल पैलेस है सामने, 200 रुपए एंट्री है इसकी, सुबह हम एंट्री करके देख सकते हैं इसको, रात को तो दूर से दिखने। बट यार ये वाला व्यू देखो, चांद वाला कितना प्यारा आ रहा है। तो गाइस बन रही है अपनी मैगी, सेक्सी मैगी बनाता हूँ मैं, एक नंबर। तो भाई अपनी मैगी बन के रेडी है, बाहर तो तुम्हें दिख नहीं रहे होंगे, बस वाइब बहुत तगड़ी आ रही है। इसको खाता हूँ पहले तो मैं, बढ़िया बनाई है ना तेरे भाई ने। भाई साहब एक नंबर टेस्ट है भाई। मैं तो बना रहा हूँ भाई अपना मैगी और सैंडविच, मतलब मैगी का सैंडविच, इसे खाऊंगा। तो भाई टेम्परेचर तो हो गया 6-7 डिग्री है, ज़्यादा कम तो है नहीं। तो भाई बस अपना सोते हैं, कल सुबह दिखाऊंगा तुम्हें यहाँ का सीन, चैल घुमाऊंगा तुम्हें पूरा। तो भाई एंड करते हैं आज के इस व्लॉग को, तो होप करता हूँ आपके व्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो भाई लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना मेरे चैनल को। तो मिलते हैं किसी और व्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर। We'll be right back.